चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट कैन बी डन बाय, देखो हम लोगों ने क्यूरी टेम्परेचर के बारे में सुना है, ससेप्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/20 होती है, तो टेम्परेचर बढ़ने पे ससेप्टेबिलिटी कम होगी, ससेप्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, तो हीटिंग एक ऑप्शन हो गया। दूसरा डीमैग्नेटाइजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, हिस्टेरेसिस कर्व में हम लोगों ने देखा था कि ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, कुछ इस तरह का, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज की जा रही है इधर, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, फिर सेचुरेशन पॉइंट आ गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने लगी मटेरियल के अंदर, ठीक है, तो आप इधर चल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते जा रहे हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाओ, जब आप इधर चल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इससे डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, तो ये मैग्नेटाइजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन भी उसका एक रीजन है, ठीक है, डीमैग्नेटाइजेशन का, ठीक है, और रफ हैंडलिंग की वजह से भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक मटीरियल की मैग्नेटाइजेशन जो है वो शैटर्ड हो जाती है, खराब हो जाती है, यानी डीमैग्नेटाइज हो जाती है मैग्नेटिक मटीरियल की, तो तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।